आज मैं आप सभी के लिए रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी लेकर के आई हूँ, जो कि फटाफट बनने के साथ साथ सुपर टेस्टी और सुपर हेल्दी भी होता है और साथ ही साथ बहुत आसान रेसिपी है। तो चलिए इस आसान सी रेसिपी को बनाते हैं। इसके लिए कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में ऑयल डालेंगे गर्म होने के लिए। ऑयल के गर्म होते ही जीरे का तड़का लगाएंगे, हरी मिर्च, प्याज, इन सबको डाल करके अच्छे से भून लेना है जब तक प्याज ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। ध्यान रहे फ्लेम को मीडियम पर ही रखेंगे और इसको चलाते रहेंगे। और ये देखिए प्याज ट्रांसलूसेंट हो गया है, तो अब इसमें बारीक कटे हुए बीन्स डाल देंगे। बीन्स के साथ साथ सेम भी डालना है, इन दोनों को पकने में थोड़ा टाइम लगता है तो इसलिए स्टार्टिंग में ही डालना होता है ताकि ये अच्छे से भुन जाए। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 5 मिनट के लिए इसको भुनना है अच्छे से। पर हाँ फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी अगर आप सभी को पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और ये देखिए सब्जी अच्छे से फ्राई हो गई है, तो अब इसमें फाइनली चॉप किया हुआ पत्ता गोभी, रफली चॉप किया हुआ शिमला मिर्च, अब इन सबको अच्छे से डाल करके 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें आपको जो सब्जी पसंद है वो सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं, जो नहीं पसंद है आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। सब्जी अब अच्छे से फ्राई हो गई है, तो अब इसमें हरे मटर और स्वीट कॉर्न डाल देंगे। इन दोनों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए इसको 2 से 3 मिनट के लिए भुनना है और इसको बीच बीच में चलाते रहना है, वरना सब्जी जलने लगेगी। अब इसमें नमक डाल देंगे ताकि सब्जी जल्दी सॉफ्ट हो जाए। नमक डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे। यकीन मानिए, ये सब्जी सच में बहुत टेस्टी लगती है, हर किसी को पसंद भी आती है। बच्चे जो सब्जी खाने में आनाकानी करते हैं उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है, आप इसे लंच बॉक्स में बना सकते हैं। और ये देखिए सब्जी अच्छे से मिक्स हो गई है, तो अब इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद खोल के चेक कर लेंगे और ये देखिए सब्जी कितनी सॉफ्ट हो गई है। सब्जी को बीच बीच में चलाते रहना है, नहीं तो ये सब्जी चिपकने लगेगी। कम तेल में जो बनती है तो काफ़ी हेल्दी होती है ये सब्जी, आपने देखा है ना कि मैं कितना कम तेल डाली हूँ। तो अब मैं इसमें कुटी हुई लहसुन, गरम मसाला, थोड़ा सा हल्दी, काश्मीरी चिली पाउडर, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। आप चाहे तो इसमें गरम मसाला स्किप भी कर सकते हैं, बट गरम मसाला मैंने बहुत थोड़ा डाला है, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही इन्हेंस हो जाता है और स्वाद भी आता है खाने में। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब इसमें पनीर के क्यूब्स डालेंगे। पनीर के क्यूब्स डालना ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। सच में ये सब्जी बहुत हेल्दी होती है, कम तेल में और फटाफट बनने के साथ साथ सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी होता है, जो कि हम सभी को बहुत ही पसंद आता है। इस सब्जी से आप चाहे तो स्नैक्स भी बना सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्दी होगा और हर किसी को पसंद भी आएगा। नहीं, अभी सब्जी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, वीडियो में आगे बने रहेंगे तभी तो पता चलेगा कि सब्जी में आगे और क्या पड़ा है, जिससे इसका टेस्ट और भी इन्हेंस हो जाएगा और हर किसी को बहुत ही अच्छा लगता है ये सब्जी। इस तरह से बनाएंगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे आप सभी। और ये देखिए सब्जी अच्छे से मिक्स हो गई है, तो अब इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। 5 मिनट बाद खोल के चेक कर लेंगे और ये देखिए सब्जी का कलर कितना अच्छा आया है। इस सब्जी से आप सैंडविच वगैरह भी बना सकते हैं। मैं अब यहाँ फ्रेश क्रीम सब्जी में डालूंगी, जिससे इसका टेस्ट और भी इन्हेंस हो जाएगा और सब्जी का टेक्सचर जो होता है ना, क्रीमी हो जाएगा। आप चाहे तो घर की मलाई डाल सकते हैं। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है। अब इसमें कसूरी मेथी को दोनों हाथों की सहायता से क्रश करके डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट और भी इन्हेंस हो जाता है। ये सब्जी फटाफट बनने के साथ साथ ना खाने के बाद बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है, जो कि हर कोई खाना पसंद करेगा ऐसी सब्जी। इस तरह से अगर आप सभी सब्जी बनाएंगे ना तो हर कोई आपकी तारीफ करते थकेगा नहीं। और ये देखिए सब्जी हो गई है तैयार, गैस की फ्लेम को अब टर्न ऑफ कर देंगे। लग रही है ना कितनी कमाल की सब्जी, तो चलिए अब इसको सर्व करते हैं। इतनी कमाल की सब्जी है तो ट्राई तो करना बनता है ना, तो एक बार मेरे कहने पर आप सभी ज़रूर से ट्राई करिएगा इस सब्जी को और इसका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर से शेयर करना। आई होप मेरी ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।